इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये प्राकृतिक गैस है, और जैसा भी बताए इसमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूटेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। दूसरा, सीएनजी आपका बहुत ज़्यादा उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है यानी बहुत ज़्यादा उससे एनर्जी हमें प्राप्त होता है। सेकेंड उसका एडवांटेज हो गया, एंड इट हैज वन डिसएडवांटेज है इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर यानी वो हर जगह उपलब्ध नहीं, तो ये आपका एक ड्रॉबैक है या उसका डिसएडवांटेज है। सीएनजी कंटेन्स मेनली मीथेन, सीएनजी में आपका मीथेन होता है हाइड्रोकार्बन होता है, और जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के सप्लाई के आप लोग किसी भी चीज को नहीं जला सकते। तो सीएनजी बर्न्स, दैट मींस मीथेन प्रेजेंट इन सीएनजी बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। यानी सीएनजी को जब जलाते हैं तो चूंकि उसमें मीथेन गैस होता है वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जो एक डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं, वाटर होता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, द मेजर यूज फ्यूल इज एलपीजी, यानी एलपीजी जो हम लोग डोमेस्टिक पर्पस में घर में जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल होता है, तो लाइक सीएनजी एलपीजी आल्सो कंटेन्स हाइड्रोकार्बन। सीएनजी की तरह एलपीजी में भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें मीथेन भी हो सकता है लेकिन मोस्टली आपका इसमें ब्यूटेन होता है, और ब्यूटेन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने के बाद यानी ब्यूटेन प्रेजेंस इन एलपीजी वर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी। एंड इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा लेकिन इसमें आपका हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या है, इट इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस, इसमें ना कोई कलर होता है ना कोई स्मेल होता है, तो इन केस ऑफ लीकेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द लीकेज ऑफ गैस एज इट हैज नो कलर नो स्मेल। चूंकि इसमें कोई कलर नहीं है कोई स्मेल नहीं है, तो यदि मान लीजिए गैस लीक हो रहा है तो हमें पता ही नहीं चलता, एंड इट इज डेंजरस एज इट कैन कैच फायर इमीडिएटली एंड इट स्प्रेड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर, है ना। सो इट इज डेंजरस एज इट स्प्रेड द फायर, है ना, चूंकि इसमें आपका बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और ये हवा के साथ बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो आग फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस खतरे को दूर करने के लिए हम लोग इसमें एक सब्सटेंस मिलाते हैं यानी इट इज मिक्स्ड विद इथाइल मरकप्टन, इथाइल मरकप्टन इज मिक्स्ड विद एलपीजी टू डिटेक्ट द स्मेल इन केस ऑफ लीकेज। यदि मान लीजिए आपका वो लीकेज हो गया तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग इथाइल मरकप्टन को मिलाते हैं, इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है जो बहुत जल्दी हल्का भी यदि गैस लीक होगा तो हमें तुरंत उसका पता चल जाएगा, तो इसलिए हम लोग उस खतरे को कम करने के लिए खतरे से बचने के लिए हम लोग इथाइल मरकप्टन को
एलपीजी में मिलाते हैं। उसके बाद हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया, कॉडर केफ हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया, और ये सब हम लोग फ्यूल्स यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स है, ऑल द फॉसिल फ्यूल्स कंटेन्स मेनली कार्बन, एंड अलोंग विद कार्बन सम अदर सब्सटेंस लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, वाटर दैट इज हाइड्रोजन ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस फॉसिल फ्यूल्स। एंड इन फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन मेनली होता है, और कार्बन के साथ साथ कुछ मात्रा में सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और हाइड्रोजन भी होता है। तो इसलिए जो अगर फॉसिल फ्यूल्स है उसको जलाने के बाद कुछ में आकर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट तो बनेगा ही, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन को जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, है ना। लेकिन उसमें कुछ पॉलिटेंट सब्सटेंस बन सकते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वुड जलाते हैं तो उसमें आपका आस बनता है, सूर बनता है, या उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन सकता है, कोल जलाते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, या हम लोग पेट्रोल जलाते हैं तो उसमें हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है। तो ये पॉलिटेंट गैस इसमें बन सकते हैं, हानिकारक गैस बन सकता है। बट द कार्बन प्रेजेंट इन दिस फॉसिल फ्यूल्स बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी, दिस इज कॉमन। कोल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, एंड वाटर पेपर आस हीट is also produced. Now, what are the disadvantages of producing harmful gases or burning of these fossil fuels? And ये जो fossil fuels हम लोग जलाते हैं, इसमें जो हानिकारक गैस बनता है, उसका disadvantage क्या है? उसके harmful effect क्या है? जैसे सबसे पहला आपका मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, इट एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या कमिंग फ्रॉम सन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाता है तो वह ज्यादा से ज्यादा सनसेट को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो दिस इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टेड इज हार्मफुल टू अस एज इट कैन कॉज सम हार्मफुल इफेक्ट, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे लिए एक खतरा है ना, क्योंकि कुछ हानिकारक उसके कुछ साइड इफेक्ट, कुछ हार्मफुल इफेक्ट हम लोग जैसे देख सकते हैं कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस कैप विल मेल्ट एंड विच रिजल्ट्स टू इंक्रीजिंग ऑफ सी लेवल। आइस कैप है वह मेल्ट हो सकता है और उसके कारण समुद्र का लेवल बढ़ सकता है, और उस समुद्र के लेवल बढ़ने के कारण बहुत सारे लो लाइंग एरिया सबमर्ज हो सकते हैं यानी समुद्र में डूब सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो इफेक्ट द रेनफॉल पैटर्न, और वह रेनफॉल पैटर्न को भी प्रभावित कर सकता है। सेकेंड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस इन सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस इन इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन यदि कंटिन्यू लगातार जारी रहता है, सप्लाई रहता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। लेकिन यदि कार्बन ऑक्सीजन सप्लाई सही ढंग से नहीं होता है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इज अ पॉइजनस गैस। इट कैन रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड ये जो है वह हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसके साथ रिएक्शन करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एंड द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अफेक्ट आवर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी वह हमारे ब्लड को सर्कुलेट होने से उसमें अवरोध पैदा करता है और वह उसके कारण जो है आदमी बेहोश हो सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। अदर पॉल्यूटेंट गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। यानी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड दीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन फॉर्म एसिड वेयर रिएक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एंड ये जो जलाने के बाद फ्यूल जलाने के बाद जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना वह जब एयर में